नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सकें और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। पूंजीपतियों द्वारा गरीब मजदूरों के साथ आए दिन मारपीट उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी प्रकार की एक घटना जनपद आगरा में तेज सू कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा गरीब मजदूरों के साथ मारपीट की गई और फैक्ट्री के बाहर निकाल दिया गया। और इन गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कासीराम के पदाधिकारी पहुँचे और उनको इंसाफ दिलाने के लिए वादा किया। और क्या कहना है मजदूरों का, जिस प्रकार से उनके साथ में मारपीट की गई और उनको फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। मेरा नाम रामपाल सिंह नेताजी है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। ये घटना 25 जनवरी की है। आगरा में तेसू फैक्ट्री जो सिकंदराबाद मौजूद है, उसमें ये गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग मजदूरी करते हैं और ये मजदूरी को लेकर अपनी मजदूरी को बढ़ाने के संबंध में तथा इनको पीएफ न दे जाने के संबंध में इन्होंने मालिकों से बात रखी और अपनी बात को रखकर इन्होंने मांगे कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमारा पीएफ अकाउंट खोलकर हमारा पीएफ हमारे अकाउंट में भेजा जाए। लेकिन ये धन्ना सेठ हैं, कंपनी मालिक धन्ना सेठ हैं, इन्होंने अपने गुंडों को बुलाकर, बाहरी गुंडों को बुलाकर, जो दबंग लोग हैं जो फैक्ट्री की तरफ से हमेशा आते जाते रहते हैं, तो इन्होंने इन मजदूरों के साथ लाठी डंडा हॉकी तथा लात घूंसों से मारा पीटा और उनको थाना सिकंदरा में बंद कराने का कार्य किया, जिसमें हमारे दो मजदूर वर्ग भाई थे वो थाना सिकंदरा में बंद रहे 38 घंटे। उसके बाद उनको 151 बंद कर उनकी जमानत पर रिहा किया गया है। तो इन लोगों ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से, भाई चंद्रशेखर आज़ादी से गुहार लगाई है कि भाई हमें न्याय दिलाने का कार्य करें, हम गरीब लोग हैं, हम किस तरह से उत्पीड़न सहते रहेंगे। इस संबंध में आज हम सभी साथी सैकड़ों जो मजदूर वर्ग हैं पुलिस आयुक्त साहब से मिलने जा रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जय भीम। मेरा नाम बलवीर सिंह है, मैं किसान मोर्चा जिला कोऑर्डिनेटर आगरा आज़ाद समाज पार्टी से हूं। आज हम सब ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। ये मजदूर हैं, तेसू फैक्ट्री में काम करते हैं 10-10, 20-20 सालों से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से। इनके साथ जातीयता के नाते से बहुत गलत व्यवहार हुआ है। इनकी जो वेतन है, इनको 3-3 टुकड़ों में वेतन दिया जाता था, इनका पीएफ नहीं कटता था, इनको ईएसआई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती थी। इन लोगों ने अपनी बात को उस फैक्ट्री परिसर में इकट्ठा होकर उस मैनेजमेंट से मांग की और अपने अधिकार के लिए कहा। उस मैनेजमेंट ने इन लोगों को इन सब चीज़ों से नकारते हुए इनके साथ मारपीट की, प्री प्लानिंग के साथ, क्योंकि उनके ये बताया जा रहा है कि इनके जो कैमरे थे बंद करके प्लानिंग के साथ इनको मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि इनको गंभीर चोटें आई हैं। और पुलिस ने, इनको अधिकार था कि परिसर में इकट्ठा होकर के अपनी बात कहने का, इनके मजदूर थे 10-10, 20-20 सालों से, इनका मौलिक अधिकार बनता था, लेकिन उन्होंने गुड्डों से पिटवाया प्लस पुलिस को बुलवा करके इनको थाने में अवैध रूप से बंद कराया और उनके साथ में गलत तरीके से 151 की कार्रवाई पुलिस ने की। जातीयता के नाम से इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों के सबके साथ में, मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ऐसा हम नहीं करने देंगे। ये बहुत निंदनीय कार्य है सरकार का। सरकार का कोई रुख न किसान के लिए होता है और न ही किसी मजदूर के लिए होता है। आज हम समाज पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के और हम भीम आर्मी के जितने भी पदाधिकारी हैं इस आगरा के, सबसे पहले इनकी आवाज़ को बुलंद कराएंगे और अभी यहां से जा करके हम सीधे कमिश्नरेट से, कमिश्नर साहब के जाते हैं, हम इनकी बात को हम कहेंगे, वहाँ पर जाके उनकी बात को सुनवाएंगे। और इसी के साथ में हम इन सभी से लेकर मजदूरों से कहते हैं, उन्हें अपना मौलिक अधिकार पाने के लिए आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है।
इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जय भीम जय भारत। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट, जिला संयोजक भीम आर्मी आगरा। आज हम जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। ये तेसू फैक्ट्री में लगभग 20 साल 12 साल 8 साल 5 साल कोई 7 साल काम कर रहे हैं। आज तक ना तो इनकी मजदूरी बढ़ी, ना इन्हें समय से पैसे दिए जाते, ना आज तक इनका ESI कार्ड बना, ना ही आज तक इनका कोई PF अकाउंट खुला है। जब इन लोगों ने 25 तारीख को अपने PF अकाउंट के लिए पैसे देने के लिए और क्या नाम है ESI कार्ड बनवाने के लिए जब अपनी मांग रखी और पैसा मेहनत मजदूरी बढ़ाने के लिए जब क्या नाम है मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करी तो उन सब लोगों ने इन सब लोगों के साथ जाति सूचक शब्दों ढेर चमारों का प्रयोग करते हुए मारपीट करी, जैसे कई भाइयों के हमारे हाथ में चोटें हैं, कमर पे चोटें हैं, शरीर में चोटें हैं। उन लोगों ने लाठी डंडे सरियों से 50-60 लोग अकबर और मागरौल के बुला के जाट समाज के, और वो खुद भी जाट समाज से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्डों ने मिलकर इन सब लोगों को लाठी डंडे सरियों से मारा पीटा है। उसी के संबंध में आज हम इकट्ठे हुए और यहाँ से इकट्ठे होकर हम अभी कमिश्नर साहब के यहाँ जाएंगे, इनकी एक प्रार्थना पत्र SC ST में कार्रवाई के लिए कमिश्नर साहब को देंगे। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई उचित नहीं होती है तो ज्ञापन देंगे और लेबर कमिश्नर से मिलकर इस तेसू फैक्ट्री को बंद कराने का काम करेंगे। क्या हुआ आपके साथ में? डंडों से सरियों से मारा हूँ मैं। मतलब स्टार्टिंग में हमने उनसे पैसे की बात की थी कि हमको पैसे टाइम से नहीं मिल रहे हैं। मतलब किस तरह का पैसा? मेहनत का मजदूरी। अच्छा हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपको पैसे मिल जाए तो हफ्ते में एक कभी सोमवार को आता है, कभी मंगलवार को आता है, कभी बृहस्पति को आता है, कोई टाइम नहीं है। हमने कहा एक टाइम को पैसा बता दो, या तो हमको कैश दे दो या हमें टाइम से पैसे दे दो, हमारे खाते में डाल दो। नहीं डाल रहे तो जैसे बताओ। कह रहे कैसा पैसा तुम्हें मिल तो रहा है, 3 बार में पैसा मिलेगा। उन्होंने ये बोला 3 बार में पैसा मिलेगा। हम मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो एक बार में हमें पैसे चाहिए। हमने कहा हमें एक बार में पैसा चाहिए, एक बार में पैसा नहीं मिलेगा, काम करो अन्यथा मत करो, 3 बार में पैसा मिलेगा। PF और PF की हमने कहा था तो बोला PF आपको नहीं मिलेगा। कितनी सालों से काम कर रहे हो? मुझे हो कम से कम 20 साल। क्या नाम है कंपनी का? तेसू। और क्या कहते हैं साथ आपके साथ मारपीट हुई? हाँ मारपीट हुई है, ये पट्टा नीला पड़ रहा है, दिखाओ दिखाओ ना, दिखा वीडियो बनाओ, दिखा वीडियो ना, दिखा दिखा देखो बस 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 और हम लोगों जैसा तुम्हें जैसा पैसे टाइम से नहीं मिलते तो और 2-3 दिन की कहते और हमने PF की गई तो मारपीट करी। तुम्हें सही बताऊँ? हाँ जे घोटू में जे मेरे बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हें सही बताऊँ? और कौन है? और हमें सर हमारे भी तो लगी हुई है इस टाइम पे। हम काय के लिए वो कर रहे थे? सिर्फ पैसों के लिए, सबके लिए साथ ही है ना हम लोग, तो हमारे साथ ये सब हो रहा है तो फिर आगे चले जनता के आगे चल के नहीं हो ये सब। और ढेर चमार भी की उनने जब मारपीट की, हाँ गलत सब का प्रयोग किया उनने, के साल को मारो तो चमार को काम करो, हाँ। तो फिर टॉर्चर कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है ये बताइए। जब हमने उनको पैसे की बात की तो यूँ कह रहे थे कि इन्हें 3 दिन के बाद ही पैसा मिलेगा, काम करो या मत करो। और जब उनसे कहा तो उन्होंने बाउंसरों ने और जो उनके और उनको बुला के हमने मारपीट की है। तीन बार में देने ही कह रहे हैं। हाँ तो आपको क्या दिक्कत है? 3 बार PF कटना चाहिए, PF भी नहीं मिलता है हमको। क्यों ऐसा है? हमारा नहीं टुकड़े पैसा हो जाता नहीं तो हमें हिसाब नहीं पता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, बेकार हो जाता है हमारा। देखिए मैंने कंपनी वालों से बोला था पेमेंट आने में हमें दिक्कत होती है, जो पैसा हमको 3 बार में मिलता है वो हमारे काम में नहीं आता है, क्योंकि हमारा आधा पैसा जो दस्ती के तौर पर बांटते हैं ये लोग, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 200, जितना ज़रूरत होता है उतना ये लोग लेते हैं, वो पैसा हमारे काम में नहीं आता। उसके बाद इनका 30 रुपये 40 रुपये 80 रुपये जो TTS कटता है वो भी पैसा हमारा कोई फायदा नहीं है, उसमें जो आधा पैसा बचता है हमारा वो खाते में जाता है, जिसके कारण उसमें भी हमारा नुकसान होता है, क्योंकि इतनी हमारी आमदनी नहीं है, 2000 या 2500 रुपये बच पाता है। ये लोग ये जानते हैं कि हम ठेकेदार हैं कि हमारा अब तक 6000 का हुआ है, उन्होंने ये लोग ये नहीं देखते इसके नीचे लेबर भी है, 6000 में 300 वाली लेबर है हमारे पास, 400 वाली लेबर है, उनको भी पैसा देता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा। उसके बाद जो पेमेंट लेट हुआ था
तो मैंने उनसे ये बोला अगर आप पैसा मेरे को खाते में डालते हो, जैसे कि हमें 4 साल 10 साल और हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं वहाँ 20-20 साल हो गई हैं जो जिंद की मंडी से लेकर अड़तौनी तक काम कर रहे हैं, तो कुछ हमारा पीएफ होना चाहिए। अगर आप खाते में पैसा डालते हो तो हमारा पीएफ होना चाहिए। उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया, आपको काम करना है करो अन्यथा आप मत करो। उसके बाद हम लोगों ने और वो ऑब्जेक्शन उठाया तो हमारे साथ मारपीट की है, अग्रवाल बुलाए और बाउंसर थे उसमें, तो जाति का भेदभाव किया है मेरे साथ। अरे सभी के साथ है ना, हम 150-200 ठेकेदार हैं और पैसे देने के लिए कैश पेमेंट की बोला था, कैश पेमेंट की मना कर दिया था। हम दोनों भाइयों को पकड़वाया, पकड़ के तारे बंद करा, रात और बंद रखा, 12-1 बजे करीब पकड़े थे हम, और कम से कम कल 24 से 32 घंटे बाद हमें छोड़ा। अच्छा क्या क्या हुआ था आपके साथ में जो कि हमारे साथ में हमने वो हड़ताल वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद हमने कोई बात कही थी तो उन्होंने हमें मारना पीटना चालू कर दिया। हड़ताल किस वजह से हुई थी? हमने पैसे को चक्कर में हड़ताल करी थी, पैसा टाइम से नहीं मिल रहा, और हमने ये बात कही थी कि हमारा पेमेंट नहीं, शनिवार पेमेंट करा दो, नहीं तो फिर अगर आप पेमेंट खाते में देना चाह रहे हो तो हमारा पीएफ कटाओ। हमारी यही दो बातें थी, उन्होंने सभा मना कर दी, हम ये बात कर नहीं पाएंगे, और जो तुम्हें काम करना करो मत करो। और तो ये इतनी बात में तो पेटी हम लोगों पर हावी हो गई, हम दो भाइयों को पकड़ लिया हमारा पीटा और हमें बंद करा दिया। अरे सनी क्या बात हुई है, क्या नाम है? मेरा नाम सनी, आप बताइए। हमारे साथ ये हुआ है कि जैसे हम लोगों ने हड़ताल की थी, हमारा पैसा एक हड़ताल इस वजह से की थी कि हमारा पेमेंट समय पे नहीं आ रहा था। अच्छा। हाँ, समय पे ना पेमेंट आने के चक्कर हम लोगों ने हड़ताल की थी। एक दिन हो गया, एक दिन सुबह से लेकर शाम तक हम खड़े रहे, कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्यों नहीं आया? जवाब तो सिर्फ कंपनी वाले मेरे मालिक से ही आना था, कोई ऊपर से तो आना नहीं था, कोई मुख्यमंत्री से तो नहीं आना था, जवाब नहीं दिया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन पे हमने फैसला ये लिया कि हम अंदर नहीं बैठेंगे, हम बाहर रहेंगे गेट पे, जब तक हमारा फैसला नहीं आएगा। हम बाहर रहे, बाहर हमें 3-4 घंटे हो गए खड़े खड़े, कोई भी जवाब नहीं आया। हमने सोचा कि एक बार पूछने की कोशिश करें, हमने दो बंदे भेजे अपने कारीगर अंदर जाने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या गेट वालों ने, जो कंपनी के अंदर बाउंसर है कुछ गेट वाला और कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने पकड़ के दो कारीगरों की हमारी मार लगा दी। हमको गुस्सा आया, हमने गेट खोलने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया, अपने कंपनी के कैमरे ऑफ कर तो हम लोगों पर हमला किया लाठी डंडे से। हमारे कुछ कारीगरों के चोट भी आई हैं और कुछ लोग हमारे कुछ लोग दो लोगों को बंद किया गया है हरि पर्वत थाने में। तो आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सकें और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।